और आपको बता दें कर्नल सोनाराम चौधरी हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। जी हां, लगातार खबरें आ रही है और साथ ही दिल्ली पहुंचे हैं कर्नल सोनाराम और बाड़मेर जैसलमेर से मौजूदा भाजपा के सांसद है। कर्नल पूर्व में रह चुके हैं कांग्रेस के सांसद और टिकट कटने से भाजपा से नाराज चल रहे हैं। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी और साथ ही राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। वेणुगोपाल से चर्चाएं कर रहे हैं और साथ ही राहुल से मिलने का कार्यक्रम है। सीएम अशोक गहलोत को भी दिल्ली बुलाया गया और पायलट भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं और राहुल के साथ हो सकती है प्रदेश नेताओं की बैठक। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, गहलोत और पायलट की मौजूदगी में कर्नल की घर वापसी हो सकती है। बाड़मेर जैसलमेर के दिग्गज नेता माने जाते हैं कर्नल सोनाराम। लगातार भाजपा से नाराज चल रहे हैं कर्नल सोनाराम और इसी के तहत खबरें आ रही थी और अब लगता है खबरों पर विराम लग जाएगा, क्योंकि कर्नल सोनाराम दिल्ली में मौजूद है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, यानी कि कर्नल सोनाराम की घर वापसी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। कर्नल सोनाराम हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। जी हाँ, भाजपा से नाराज हैं और इसी के चलते लगातार कयास लगाए जा रहे थे। बाड़मेर जैसलमेर से मौजूदा सांसद हैं कर्नल सोनाराम और टिकट कटने से ही भाजपा से लगातार नाराज चल रहे थे और अपनी नाराजगी मीडिया के सामने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जमकर जाहिर भी की और केसी वेणुगोपाल से लगातार उनकी चर्चाएं चल रही है और साथ ही सीएम अशोक गहलोत को भी दिल्ली बुलाया गया और राहुल के साथ प्रदेश नेताओं की बैठक होगी और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कर्नल सोनाराम की घर वापसी हो सकती है। बाड़मेर जैसलमेर से मौजूदा सांसद हैं भाजपा के कर्नल सोनाराम, लेकिन अपने टिकट काटे जाने से भाजपा से लगातार नाराज चल रहे थे और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अवन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। प्रीत, ये कहना लगता है कि अब गलत नहीं होगा कि कर्नल सोनाराम की घर वापसी हो सकती है। भाजपा से नाराजगी अब इतनी हो चुकी है कि वापस कांग्रेस में शामिल होने के इरादे हैं। ज्योति, जिस तरीके से वो उम्मीद लगा रहे थे कि उनको टिकट दी जाएगी भाजपा में बाड़मेर से, और तीन बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, चौथी बार बीजेपी से सांसद रहे और अब वो टिकट का दावा कर रहे थे, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई अंतिम समय में। अब उनका ये जो है एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो जाएं। हालांकि दिल्ली पहुंच चुके हैं कर्नल सोनाराम और अब उन्होंने राहुल गांधी और पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात का समय मांगा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी से उनकी कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है। ज्योति, तो देखने वाली बात ये है कि क्योंकि मानवेंद्र सिंह पहले ही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा जो जाट नेता है हरीश चौधरी, ये दोनों ही नेता वहां से कांग्रेस में एक बड़ा कद रखते हैं, ऐसे में क्या कर्नल सोनाराम की वापसी होती है, क्या बाड़मेर जैसलमेर के बड़े नेता हैं कर्नल सोनाराम, क्या उनको कांग्रेस में दोबारा जगह मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ज्योति जी, प्रीत किरण, प्रीत, क्या लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पहुंचे हैं कर्नल सोनाराम, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पहले प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चाएं करेंगे कि क्या इनको पार्टी में सम्मिलित किया जाए वापस, और अगर किया जाता है तो भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में एक बड़ी हानि होगी, क्योंकि कर्नल सोनाराम बाड़मेर जैसलमेर से दिग्गज नेता कहे जाते हैं। जी बिल्कुल ज्योति, अविनाश पांडे दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसे में कर्नल सोनाराम भी पहुंचे हैं और उन्होंने अविनाश पांडे से मिलने का समय भी मांगा है, राहुल गांधी से भी समय मांगा है मिलने के लिए। अब राहुल गांधी से मुलाकात करके अविनाश पांडे उनको फीडबैक देंगे कि क्या कुछ पार्टी के कांग्रेस नेताओं की राय है, उनकी राय के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक फैसला लेंगे और एक अंतिम निर्णय होगा उनसे मिलने का कर्नल सोनाराम से। अगर कर्नल सोनाराम से मुलाकात करने के बाद सहमति बनती है तो जरूर कर्नल सोनाराम की वापसी जो है कांग्रेस में हो सकती है। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है ज्योति कि क्या राहुल गांधी उनको मिलने का समय देते हैं कि नहीं, इंटरनल असेसमेंट इंटरनल रिपोर्ट्स के आधार पर ही राहुल गांधी तय करेंगी कि उन्हें कर्नल सोनाराम से मुलाकात करनी है या नहीं। जी जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और लगातार आप इस खबर पर हमें अपडेट करते रहें। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि कर्नल सोनाराम की घर वापसी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं।
देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।